हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं में पीलेपन की जो बड़ी समस्या किसान भाइयों के बीच में आ रही है। किसान भाइयों, या किस वजह से आती है जो गेहूं में पीलापन बन जाता है जगह जगह पर। किसान भाइयों, आप देखेंगे गेहूं के गड्ढे से बन जाते हैं, पीलेपन हो जाता है। किसान भाइयों, दूर से देखने पर किसान भाइयों खेत काफ़ी भद्दा दिखाई देता है। इस या किस वजह से किसान भाइयों के खेत में इस प्रकार का पीलापन आ रहा है गेहूं के खेत में, या बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। किसान भाई कभी कभी इसको खाद की कमी समझते हैं, और क्या यह कोई भयानक बीमारी है जो गेहूं में इस प्रकार से लगती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी, या कौन सी बीमारी है और किस प्रकार से किसान भाई इसका समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाई, जैसे कि यह जो पीलापन गेहूं में आता है, या ज़्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में किसान भाइयों ज़्यादा पलपता है। किसान भाइयों, बात कर लेंगे या किसकी वजह से किसान भाइयों या जो आता है। कई किसानों का कहना है कि यह सिर्फ गेहूं में अधिक नमी की वजह से होता है। किसान भाई, ये भी बात सही है कि अधिक नमी होने के कारण भी किसान भाइयों आपका गेहूं पीला पड़ता है, लेकिन किसान भाइयों के द्वारा कई प्रकार की खादों का प्रयोग भी करने पर किसान भाइयों यह जो नहीं सही होता है। किसान भाइयों, यह जो गेहूं पीला पड़ता है किसान भाइयों, या एक प्रकार का किसान भाई माहू लगता है किसान भाइयों जड़ क्षेत्र में। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं बहुत ही बारीकी से, जैसे कि कभी कभी गर्मियों के दिनों में किसान भाई माहू जो होता है ऊपरी सिरे में फूल के ऊपर दिखाई देता है किसान भाइयों, लेकिन यह जड़ में भी किसान भाई माहू लगता है, जो जड़ में लगकर किसान भाई उसका पूरा रस चूस लेता है किसान भाइयों, जिससे किसान भाई आपका जो गेहूं है वो बढ़वार पर रुक जाता है, बढ़वार नहीं ले पाता है, और किसान भाई इस रोग को अच्छे से नहीं समझ पाते और वे काफ़ी अधिक खादों का प्रयोग भी अपने गेहूं में करते हैं, लेकिन किसान भाइयों यह जो पीलापन है हमारे यहाँ किसान भाइयों के गेहूं के खेत से नहीं जा पाता। और इसके समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, तो इसके समाधान के लिए किसान भाइयों को नंबर एक पर जो किसान भाइयों को स्प्रे लेनी है, किसान भाई स्प्रे से किसान भाइयों या जो आपका जो माहुआ किसान भाई जा पाएगा। नंबर एक पर जो स्प्रे लेनी है किसान भाइयों को, मीडा क्लोरोपिड 17.8% में किसान भाइयों इसकी जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, लिक्विड फॉर्म में आता है, इसकी जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों को 200 ml प्रति एक एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी है। और किसान भाई उसके साथ जो किसान भाइयों को दूसरी स्प्रे लेनी है उसका किसान भाई फिप्रोनील, किसान भाई फिप्रोनील की जो किसान भाई मात्रा लेनी है वह 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और तीसरे नंबर पर जो किसान भाइयों को जो अपनी इंसेक्टीसाइड दवाई लेनी है, जो सॉरी फंगीसाइड लेना है, वह किसान भाइयों फंगीसाइड साफ आप ले सकते हैं किसान भाई 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को साफ का प्रयोग करके इन तीनों ही दवाइयों को आपस में मिलाकर किसान भाइयों को अपने खेत में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के किसान भाइयों उपरांत आपको किसान भाई अपने खेत के दूसरे या तीसरे दिन किसान भाइयों से सिंचाई कर देनी है। जैसे ही आप किसान भाई इसकी स्प्रे करेंगे किसान भाई आपके खेत से माहू खत्म हो जाएगा। अब किसान भाइयों को दूसरा काम जो करना रहेगा अपने खेत में, अब किसान भाइयों को इसमें एक अच्छे किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट देने रहेगी, क्योंकि किसान भाइयों इस माहू के लगने की वजह से जो भी किसान भाइयों ने माइक्रोन्यूट्रेंट दिए होते हैं वह सब खराब वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को एक अच्छा उर्वरक अपने खेत में डालना होगा। उर्वरक के तौर पर किसान भाई माइक्रोन्यूट्रेंट किसान भाई अपने खेत में डाल से माइक्रोन्यूट्रेंट की बात कर ले तो किसान भाइयों को जिंक सल्फेट 10 से 12 किलो किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर किसान भाई को माइक्रोन्यूट्रेंट डालना है वो किसान भाई यूनिक गोल्ड के नाम से किसान भाइयों एक सॉयल डेवलपमेंट किसान भाइयों एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है किसान भाई, इसकी जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों को 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसकी मात्रा लेनी है। और इसके साथ ही हमारे जो किसान भाइयों को जो तीसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों को यूज करना है किसान भाइयों, वह जो है किसान भाइयों आलविन नाम से किसान भाइयों एक सॉयल डेवलपमेंट के किसान भाई प्रमोटर आता है किसान भाई, इसकी जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों को 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इन तीनों खादों के किसान भाइयों को यूरिया 25 kg यूरिया मिक्स करके किसान भाई अपने खेत में डलवा देना है। किसान भाइयों आप एक ही हफ्ते में देख पाएंगे किसान भाई आपके खेत से जो पीलापन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका गेहूँ एक अच्छी भड़वार पर किसान भाइयों आ जाएगा और किसान भाइयों को एक गेहूँ की एक अच्छी भड़वार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।